सो है गाइस, स्वागत है आपका मेरे को नई वीडियो में। आज हमारे पास है सुजुकी नेक्सा बलिनो। आज इसके ऊपर जानेंगे हम लोग साइड डिटेल्स। ये है नेक्सा बलिनो, काफ़ी प्रीमियम हैचबैक है ये अपने प्राइस टैग में। ये मॉडल जो है ये है बलिनो जेटा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। इसका जो पावर है वो 81.80 bhp का है और जो टॉर्क है वो 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और इसका माइलेज का बात करें तो 19.56 किलोमीटर का माइलेज का अनुमान है कंपनी ऐसा बोलती है। और जिसका फ्यूल कैपेसिटी वो 37 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिलता है। प्राइस पर अभी हम आएंगे अभी थोड़ा देर में। और काफ़ी अच्छा इसका लुक्स है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन इसके। तो स्टार्ट करेंगे पहले इसके फ्रंट से। जिसका ग्रिल है काफ़ी प्रीमियम ग्रिल है, यहाँ पे जो क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है काफ़ी अच्छा लगता है इसके ग्रिल पर। और जो इसका हुड है सिंपल हुड है पर अच्छा है। और जिसके यहाँ पर लाइनिंग दिया गया है इसके जो इन्हेंसमेंट बढ़ा देता है क्वालिटी का। और यहाँ पर आपको अगेन क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। और जिसके हेडलाइट आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं डीआईएल्स के साथ, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स है, यहाँ पर सुजुकी का बैजिंग किया हुआ है। और यहाँ पर जो इसके फॉग लैंप है ये आपको हैलोजन में मिलते हैं, ये नीचे आपको डिफॉगर्स। और इसके बम्पर काफ़ी अच्छा बम्पर है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, स्पोर्टी डिज़ाइन दिया गया है। इधर पर हो गया और इधर भी आपको वाइपर्स मिलते हैं, रेन वाइपर्स, ये ORBMs विथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 95x50 R16 इंच के टायर मिलते हैं विथ डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसके एलॉय व्हील्स का। और ORBMs मैंने दिखा दिए, इसका जो ORBMs है ये आपको डोर पर इंटीग्रेट किया गया है, ना कि ए पिलर पर। और जिसके डोर हैंडल्स से आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं दोनों साइड, ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड दोनों साइड। और ये क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ किया गया है, रूफ फिल्स नहीं है इसमें। और इधर पे अगेन आपको क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है। और जो इसके ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर है आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं। और इधर पे आपको एंटीना मिलते हैं। और ये स्पॉइलर है विथ हाई माउंटेड स्टॉप लाइट। और ये पीछे का आपका वाइपर है। और टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट भी काफ़ी अच्छा लगता है, सी डिज़ाइन में टेल लाइट इसका है। ये LED है इस साइड का और ये बल्ब है, ये दोनों जो बलिनो का बैजिंग किया गया है, सुजुकी का बैजिंग है। ये आपके रियर के पार्किंग सेंसर्स। और यहाँ पे मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर्स। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसका। एक बार मैं इसका चाबी दिखा दूँ इसमें, इसमें आपको स्मार्ट की चाबी मिलता है जो कि लॉक अनलॉक के साथ आता है। यहाँ पर सुजुकी का बैजिंग दिया गया है बस। और अब बात करें इसके बूट स्पेस के, तो इसमें आपको 339 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है विथ पार्सल ट्रे। इसे आप खोल भी सकते हैं यहाँ से। और इस साइड में सब हो गया। अब बात करेंगे इसके इंटीरियर की, तो पैसेंजर साइड डोर का बात करें तो यहाँ आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ हैंडल मिलते हैं। और ये आपको विंडो कंट्रोल मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको सामान रखने की थोड़ा जगह है, और बोतल होल्डर, यहाँ पे आपको स्पीकर मिलते हैं। और अंदर से देखें तो काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है इसका। ये आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच वाले पैसेंजर के लिए नहीं है और सिर्फ दो ही हेडरेस्ट मिलते हैं, एडजस्टेबल है ये। काफ़ी प्रीमियम है इसका इंटीरियर। डोर साइड का तो हो गया है, एक बार चलिए बैठ कर देखते हैं। नी रूम काफ़ी अच्छा खासा नी रूम मिलता है इसमें, मतलब कि मोर देन इनफ है, काफ़ी ज़्यादा ही नी रूम है। और इस साइड में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है। और आर्म रेस्ट भी इसमें नहीं दिया गया है, पता नहीं क्यों कंपनी नहीं दिया। और बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल इसका सीट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और हेडरूम की बात करें तो मोर देन सफिशेंट है,
मेरी हाइट 5.56 फीट की है और मेरे साथ सही है। और इधर पे आपको हैंडल मिल जाते हैं, ये फोल्डेबल हैंडल्स हैं, आगे की सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल है। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। और यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए थोड़ा जगह दिया गया है। और इस साइड में आपको रीडिंग लाइट्स मिलते हैं इस साइड में। और इधर पे आपको मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं चैन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा बात है, इसमें चैन भी दिया गया है। और इधर पे डोर्स तो मैंने दिखा दिया आपको, इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं म्यूजिक सिस्टम के लिए। और उसके बाद डैशबोर्ड देख लीजिए आगे से, काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड है इसका। चलिए एक बार देखते हैं ड्राइवर साइड के। ड्राइवर साइड डोर का बात करते, इसमें आपको अगेन क्रोम हैंडल्स मिलते हैं विथ इलेक्ट्रिक ओआरवीएस कंट्रोलर। और आपको चारों दरवाजे के विंडो कंट्रोल मिलते हैं, सेम अगेन बोतल होल्डर मिलता है, थोड़ा सामान रखने की जगह मिलता है, स्पीकर मिलते हैं आपको इसमें। और सीट्स की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, काफ़ी अच्छा बैक सपोर्ट है इसका, लेग सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। और इधर पे आपको मिलेगा हाइट एडजस्ट, रीच एडजस्ट, और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं दोनों साइड। और तो मैंने इधर का दिखा दिया, अब एक बार अंदर बैठ कर देखते हैं। तो अंदर बैठ गए, तो इधर पे आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं, काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन लेदर आप नहीं है। यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं, म्यूट के, मोड के, वॉल्यूम अप डाउन और नेक्स्ट एंड प्रीवियस का। इसमें आपको सिर्फ एयरबैग्स मिलेंगे ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड, दो एयरबैग्स मिलेंगे। अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, तो आपको डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों मिलेगा। इसमें आपको डोर वार्निंग मिलेंगे, आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि ट्रिप दिखाएगा आपको कितना रेंज है, कितना फ्यूल बचा है, फ्यूल इकोनॉमिक दिखाएगा कि आपने कितना रेंज पर चलाया है, तो काफ़ी अच्छा बात है। और यहाँ पर जो प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, और ये भी आपको हार्ड प्लास्टिक और थोड़ा सा वो यूज़ किया गया है, सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। और यहाँ पर बात करें तो इसके डैशबोर्ड के हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड देखे तो डिज़ाइन इसका जो एकदम सिंपल डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा यूनिक नहीं है, एकदम प्लेन डिज़ाइन दिया गया है। इधर पे आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, इंजन स्टार्ट ऑफ का मिलता है। और इधर पे आपको लाइट के कंट्रोल मिलते हैं, वाइपर कंट्रोल मिलते हैं इधर पे। और इस साइड में आपको एक बार मैं लाइट ऑन कर देता हूँ अपने फ़ोन का। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, लो बीम हाई बीम करने के लिए, उसका लेवल यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है कुछ पर्स वर्स रखने के लिए, फ़ोन रखने के लिए। यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा अपने सेगमेंट में है, ठीक ठाक मिल जाता है। और इधर पे जो को ड्राइवर साइड जो डोर है, इसमें भी आपको सेम विंडो कंट्रोल, सोच सामान जा रखने जगह, और जो डोर हैंडल है वो आपको क्रोम में मिलेंगे। और नीचे थोड़ा सा बोतल होल्डर रखने के लिए। इसके भी सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। और ये बात करें यहाँ पे एसी वेंट्स मिलते हैं इस साइड में, और ये ऑटो डिमिंग है इसके जो मिनर्स है, यहाँ पे आपको लाइट्स मिलेंगे। और ये बात करें वाइजर्स की, इसमें आपको ड्राइवर साइड मिरर नहीं मिलते। और इस साइड बात करें को ड्राइवर साइड आपको मिरर मिलेंगे। यहाँ पर दिखा दिया मैंने, एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल के साथ आता है ये, देखिए यहाँ पर ऑटो लिखा भी है। और इधर पे आपको हैजार्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको एसी का मिलता है फ्रंट एसी, और ये रियर एसी का है, और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा फीचर है। और ये डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है, जैसे आप फैन स्पीड कर सकती हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा जगह मिलेगा मोबाइल रखने के लिए। और इधर पर थोड़ा नीचे देखेंगे तो एक प्लेट में दिखा दूँ आपको, नीचे साइड में यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। और इस साइड में आपको USB चार्जर और ऑक्स का कनेक्शन मिलेगा इधर पे।
और यहाँ पे अगेन आपको कप होल्डर्स मिलते हैं, और इसके जो गियर्स है लीवर दे सकते हैं, उसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर है। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक्स मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह रखने के लिए, और इसके ये आर्म रेस्ट सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब इसे थोड़ा थोड़ा रखेंगे हाथ तक अंदर का प्लास्टिक जो आपको फील होगा। और इधर पे हो गया, इधर पे आ गई ना आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं फोल्डेबल, यहाँ पे आपको लाइट्स मिलते हैं, दिखा दिया मैंने। यहाँ पे आपको दो ट्विटर्स मिलते हैं इधर और एक उधर पे, दो ट्विटर्स मिलते हैं। इसका बात करें तो इस मॉडल का जो प्राइस है वो 8,47,000 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी अच्छा सेगमेंट में आता है ये गाड़ी, काफ़ी अच्छा पैकेज भी है ये अपने प्राइस रेंज में, काफ़ी प्रीमियम फीचर्स भी देते हैं आपको ये। और जो बात करेंगे इस गाड़ी का जो राइवल है, इसमें आपको सुजुकी का स्विफ्ट भी आएगा, पर मैं आपको बोलूँगा ये गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि ये प्रीमियम हैचबैक में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन के साथ आता है, स्विफ्ट से ज़्यादा अच्छा इसमें माइलेज मिलेगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।